आज तो घर में ऐसे लग रहा है मानो दिवाली हो। दिवाली ही है राजपन्ना, हम अपने घर वापस लौट आए हैं। श्री राम जी का स्वागत भी ऐसे ही तो किया था अयोध्या में, आज हम इस शुभ दिन का स्वागत कर रहे हैं। भाभी माँ, अभी तो इस घर को और जगमगाना है। दादा जी का जन्मदिन आ रहा है, कितने अच्छे समय पे हम लोग घर में वापस आए हैं ना। एक एक करके खुशियों भरे दिन आ रहे हैं और उसकी शुरुआत हम एक पार्टी से करेंगे। दादाजी के जन्मदिन पर हम सबको बुलाएंगे, सबके साथ मिलकर मनाएंगे। हाँ। इस घर के साथ इसकी चहल पहल भी तो लौटनी चाहिए, सब पहचान वालों को बुलाएंगे, आलीशान पार्टी होगी। हाँ बेटा ठीक कह रहा है तू, ढेर सारे व्यंजन बनाऊंगी और हम पार्ट भी रखेंगे। हाँ और माँ, हम शबनी दीदी और चट्टोपाध्याय जी को भी बुलाएंगे। कितना अच्छा लगेगा ना, सब लोग दोबारा इस घर में एक साथ होंगे, धूमधाम से हम मनाएंगे। बस कर मुन्ना, कल संक्रांति के लड्डू लेकर अक्षरा के घर जाएंगे और शुभ अवसर पर बधाई भी दे देंगे। हाँ बेटा ठीक है। और अंशु बेटा, तुम कुछ नई पतंगें खरीद लो, कल अक्षरा बेटे के घर जाके उड़ाएंगे। जी ताऊ जी, अब जल्दी से पैसे दे दीजिए, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। लो ले आओ। बोला भैया जी, वहाँ क्यों? वो अक्षरा बिटिया का फोन आया, कह रही थी कि कल मकर संक्रांति है ना, और साथ ही दादाजी का जन्मदिन भी, तो हम सबको उन्होंने अपने घर बुलाया है। हाँ, और अपने घर में खुशियाँ मनाने का इससे अच्छा अवसर हो ही नहीं सकता। चल ये बहुत अच्छा किया उन्होंने जी, लेकिन कल तो अक्षरा की जचकी की तारीख है, अब तो कभी भी शुभ समाचार मिल सकता है। मेरा दिल तो हर फोन की घंटी पर जोर से धड़क उठता है कि कहीं अक्षरा की कोई खबर तो नहीं। माँ जब होना होगा तब होगा, और कल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, कल तो मकर संक्रांति है, बहुत ही शुभ दिन है, मैं तो उसे ढेर सारे लड्डू खिलाने वाली हूँ। बड़ी बहू, अब से ना तुम ऐसे करना कि अपने पैरों से चप्पल मत उतारना, वो कहीं ऐसा ना हो कि अक्षरा की खबर आ जाए और तुम खुशी से और घबराहट से नंगे पैर ही दौड़ पड़ो। आप लोगों ने सब्जी चढ़ाई दी, मैं जाके ऑटो गुथ लेता। माँ का ऑटो गुथ रहे, तुम मटन उगा ले। महाराज जी छन्नी ढूंढ रहे हैं? हाँ छोटी दादा। वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, उस रसोई में सब अलग था ना। हम यहाँ ढूंढ रहे थे। मैं याद आएगी। सही कहा छोटी दुल्हन, वहां इस रसोई की याद आती थी, जगह छूट जाती है, आदतें नहीं छूटती।
हाँ भाभी माँ, वो रसोई अलग थी।